देखिए, इस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो अली अमीन और उनके भाइयों को जो है वो बेल मिली है, उनका हक है कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं। देखते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है कि नहीं लड़ने। लेकिन मेरी अपील है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडरों के साथ अपने डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे डिफरेंसेस भी होंगे, हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ते भी हैं, इकट्ठे ही बैठते हैं। माजी में भी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती भी हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं, मुखालफत भी करती हैं, साथ भी होती हैं। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो मैं पॉलिटिकल वर्कर्स जो हमारे हैं पीटीआई के, हमारे जो दोस्त हैं, वर्कर हैं, अहदेदार हैं, मेरा पैगाम उनके लिए होगा कि आए, अब हम दोनों अपने एक कॉज के लिए इकट्ठे हों। आपको और हमारा सियासी मुखालिफ एक है। अगर आपको इलेक्शन नहीं लेना चाहता, आपके जो नुमाइंदगी हम करेंगे, आपका केस हम प्रेजेंट करेंगे, डी खान की तरक्की के लिए हम आपके साथ जो है शाना बशाना खड़े होंगे। हमने माजी में भी कहा कि हम डी खान की तरक्की के लिए आपके साथ शाना बशाना होंगे। और मैं पीटीआई के दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर पहले तो आपको इजाज़त हो, अगर आपको इजाज़त है, आपका जमहूरी हक है कि आप इलेक्शन लड़ें। अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती, आएँ हमारा साथ दें ताकि हम अपने पोलिटिकल ओपोनेंट को जो है वो शिकस्त दें।